कि सूर्य के रक्त का ताप ऊंचा हुआ, मौत की आधियां जब कि चलने लगी, जर्रे जर्रे से आवाज आती यही, धरती मैया की छाती भी जलने लगी, चंद्रमा की मधु में सरस चादनी अपने प्रभुता कय मृत्यु गलने लगी। तो बात अब तक वफा की जो दिल में रही, आंसू बनकर के बाहर निकलने लगी। एक लाइन गजल के नमूना बा मास्टर, आऊ गजल बा, वाह वाह ये वाह। कि पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी, बड़ी बढ़िया लाइन लिखलन, का लाइन लिख देलन बारे कवि, कहल गइल बा कि जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। तो कहनाम बाप कि मानव भी खुशी होते होते, पत्थर के पुजारी पंछी भी अमर होते होते, अमर होते होते, अमर होते गीता के पढ़ाई में, अमर होते होते, अमर होते गीता के पढ़ाई में, अमर होते होते, अमर होते कहनाम मा। देखे कहानी के शुरुआत भाई महाभारत के प्रसंग बाप, बड़ी बेजोड़ महाभारत के कांड बा और साथ साथ लड़ाई का भाव विवाह में का भाई। नगाड़े बज रहे थे मंदिर और दिवालय में, द्रौपदी पूजा करने आई थी शिवालय, उसी मध्यान में चंपा भी वहां आई है, पहले मैं पूजा करूं कि हठ लगाई है, बोली पंचाली चंपा अभी कुमारी हो, किसी की नारी हो ना कोई की मतारी हो, घर सुगना हमारी रास्ता जो हत हुई है, बिना मतारी के छा छा पाती रोहत हुई है, एक बार के बाद बाप शंकर भगवान के मंदिर में द्रौपदी पूजा करे बदे गई, थोड़ा ही देर के बाद चंपा भी पास में पहुंचल, देखलस मंदिर में कि द्रौपदी पहले आके पूजा करत बा, चंपा के अखिया लाल हो गई। चंपा कहलस कि रे द्रौपदी, पहले मैं पूजा करूंगी उसके बाद तुम्हें पूजा करना होगा। द्रौपदी के जितना ही नरम दिल रहल उतना ही कठोर भी रहल, नरम दिल से पहले कहलिन कि बहिन चंपा सुना, पांच गो बचवा हुए हमारे पास, हम सेज पर सुला के आई है, भोरहरी के समय गिलकिला के रोत भी हन, हमके पूजा कह लेवे दा। लेकिन दोबारा चंपा जब अटखेल करती है
उस समय द्रौपदी कठोर दिल करके कहती है कि रे चंपा, ये रो चंपा एक बात सुन ले, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तू अभी ससुराल नहीं गई, ससुरैती नहीं कहाई, जब तुसे मर्दे से भेंट भईबे ना कल तो तेरे बच्चा कहां ले पैदा हुई हन, तू बचवन का ममता का जनबू की बचवन के प्रति एक मतारी का ममता कितना होली। इहे बतिया के बड़ी भारी ठेस लग गल चंपा की, पूजा ना कहले थाल फेंक के चढ़ दे वहां से गुस्सा में आई अपने घरे, खटवास पटवास ले सुई खटिया के पार्टी में एक कै करवटे चपले एक हफ्ता ले रह गई। तभी रहा कंदर के लाइन टेरी में भावा देखा भइल का, आए अरे चंपा की सूरती काली पड़ गई, तो पूजा कि पूजा कर कसम का लौट गई पंचाली, चंपा की सूरत काली यार। चंपा खटवास पटवास ले ले बाप, और द्रौपदी पूजा करके अपने घरे गई। अब ये चंपा के देखा दुश्मनी शुरुआत हो गई। अब चंपा सोचलेस कि जब तक हमार शादी न हो जाई, भगवान करते हमार शादी हो जात कि हम अपन द्रौपदी से बदला चुका ले। उनके बाबूजी का चिंता हो गई, चंपा के बाबूजी सोचलन की बिटिया हमार खटिया के पार्टी में एक करोटे चपले बा एक हफ्ता ले, तो एक बर भी खोज बड़ी जरूरी बा, बर ढूंढे बदे चल धन दिखाओ, बर का नाम काबा महाभारत में बड़ा बढ़िया नाम बा, के खोजलन बर का नाम काबा सुनाओ थी। एक लाइन तारी का नमूना बा मास्टर, आई हमारे गुरु जी के एकदम समझा के सुपर हिट गीत रहल, आज धरती पर ना होवन बुल्लू गुरु जी कहे के बाद थोड़ा आंख से आंस जरूर आवेले, लेकिन वो लाइन बा का गौले रहलन, बाबा कि जल्दी जल्दी चलू रे कहरा, सुरू जा डूबे रे नादिया, के अंदर कि अखिया से बहेला कजरवा बजारावा कैली हो छातिया। दुल्हा के तैयार केलन चंपा के बाबूजी, का नाम बाप, असथम के संग सदिया रचायल, असथम के संग सदिया रचायल, असथम के संग सदिया रचायल, मोरवा के देख बोले, मोरवा के देख बोले, मोरवा के देख बोले मुरनी के पायल, मोरवा के देख बोले मुरनी के पायल, मोरवा के देख बोले मुरनी के पायल, तिरछी नजारिया कटारिया चला, फर फर उड़े लाया चारवा अखिया से बहेला कजरवा बजारा कैली हो छातिया।
अश्वस्थामा के साथ शादी तय हो गई। अश्वस्थामा बड़े लाओ लश्कर के साथ जैसे आजकल ब्याह शादी होला। अरे बराती में हाथी घोड़ा और जब बहुत से बराती कहरिया बजनिया सबई कोई पहुंचल हल। अश्वस्थामा शादी के चंपा के दुल्हन बना के मांग में सिंदूर डाल के अपने घरे लिए लन। लेकिन देखा दुल्ही जब डोली पर चढ़ के अपन ससुरार आवेलिन तो बड़ी खुशी रहले कि आज पहली पहली मिलन हो सैया से। खूब खुशी रहले लेकिन वो दुल्हन की खुशी ना रहल। उनके आंख से आंस चलत रहल इतना ही नहीं उनकर जोन बा आंचल पूरा आंख के आंस से भींग गई रहल। कुछ कष्ट रहल दिल में। आके बैठ गेलिन घरे इंतजार करत हैं कि कब किरण डूबी कब तनी अधियारी रात हो गया सैया से मिलन हुई। अपने दिल के दर्द जनवा निकाल के बाहर कह दे। तनी हर बतिया सुना लड़कन के जब गवना हो जाला तो उनकर गोल भूई ना पड़त। मारे खुशी में चटे लड़कन के बटोर के लेके पहुंच गया कलवरिया में। जाके दो पाउच खरीद के अपने मन का लगा के आज सुहाग रात मनाना है। खुशी में झूमत रही। देखा पी खा के जब यही दरवाजे पर अलन वही समय अश्वस्थामा दुआरे पर जब वही पहुंचो तू तब तक धृतराष्ट्र राजा दोनों यहाँ के अंधा आ गिलन। अंधा धृतराष्ट्र राजा के जब देखलन अश्वस्थामा चकरा गिलन कहलन प्रणाम कहलन कहलन कि दादा तू कैसे यहाँ आ गिला। कहन की बेटा मालूम भले कि आज तू बड़ी खुशी में हुआ। खुशी में क्या हमार मांगन हो ये मांगन के पूरा कह दे बा। अश्वस्थामा कहलन आज खुशी के दिन जवन इच्छा करत तवन मांगला देवदत्त तैयार है। देखा उस समय का मंगलन धृतराष्ट्र राजा एक लाइन तर्ज के नमूना हो। ससुरे से रूसल बाती रियावा न हो धई नहीं हरे करा। मास्टर एक पर्दा और बढ़ाला। बाबा कि बीजाई बहादुर तोहके मानब न हो पूरा करबाया रमा। धृतराष्ट्र राजा कहलन कि बेटा अश्वस्थामा हमें पांचों पांडव के मुड़ी चाहत हो। अश्वस्थामा के बुद्धि चकरा गेल कहलन के रे बाप रे बाप हम तो दादा के वचन भी दे दहली। हम तो सोचली कि आज गौना करा के लिया ले चाहे ढूढ़ी मंगे चाहे बतासा चाहे खाजा चाहे लिड़ुआ। लेकिन तो जनवा इतना अनमोल चीज मांग दिल उनकर बुद्धि चकराई गई। कहलन कि ठीक हो दादा आपके वचन दिले ही वचन के ठुकराई भी ना। कोई के बचन आज तक दहली तो ठुकरौली ना तो से ठुकराई ना। एक बात का मौका हमके दे दा तनी दुल्हन के साथ सुहाग रात मना ली ओकरे बाद काल बतिया पूरा कर दे। कहलन की बेटा यो मस्त। अरे कलिया के बात नहीं दो चार दिन के तुके मौका दे दे थी। देखा भी हर समय बीत गई जब सूर्य के किरण डूबल अधियारी रात भई जवान जब सेज पर पहुंचलन दुल्हन के पास। दुल्हन देखत हुआ कि झरझर झरझर नीर बहावत बा घुघटा काल के बैठल बा। पहुंच के सुहाग रात मनाओ वाला मन ही एकदम बौखलायल हवे के चढ़ दे घुघटवे के घींच डालन। जब घुघटा उठावल चलन तब तक दुल्हन कहलस कि सैया सुना
ई घुघटा हमार वही समय उठ सकेला एक शर्त हो, इस शर्त के पूरा कह देबा तब हमार घुघटा उठ जाई सुहाग रात मना लेबा, नहीं तो वरना आज सुहाग रात मनावे ना दे। करण रे पगली तनी जल्दी से बताओ, नहीं रतिया बीत जाए चाहले। चढ़ दे जोन बाब, कहो थे उसमें का कहले एक लाइन तर्ज के नमूना बाब। कि सुनबा लीला रहो सा, सुनबा लीला रहो सा, हे बबी नटी कुली। लेकिन गनवा के अंदर भाव आ देखा, उस समय चंपा सेज पर का मंगले, बारे चंपा यही मांगती है कि ले आवा द्रौपदी के लाई कनकसी रावा बाबू। शिवक पूजानिया द्रौपदी भी पूजा करे अली वो ही जूनिया। वो समय चंपा सेज पर यही मांगती है कि सैया हमें द्रौपदी के पांचों लैकन का मूड़ी चाहत बा। ओ द्रौपदी के पांचों पति पर पांचों बेटन पर बड़ी घमंड बा, जो हमार शादी ना भइल है एक दिन मंदिर में पूजा करे बदे गई जाम द्रौपदी मिल गई हमके बड़ी भारत बड़ी भारी ताना मार दिलस। का भारी ताना मरले बा ये कहले बा तो हमार विचार बा कि हमें पांचों लड़कन का मूड़ी लिया के तनी दे देता, द्रौपदी के घमंड के चूर कर बदे है हमारी राधा हो। इतना बतिया सुना तो समय अश्वस्थामा का बुद्धि चकराए गई, कहन करे पगली दिनवा में धृतराष्ट्र राजा दुनो यहाँ के अंधाय आयल हलन, कहलन कि हमके पांचों पांडव के मूड़ी चाहिए, उनहु के वचन दे दिले तुके पांचों लड़कन के मूड़ी चाहिए, बताओ हम कौन उपाय करी। चंपा ठे उपाय बताओ थे, कहलस की सैया सुना अगर तुहार कैल न होते काम करा, हम जानते हमारे बुद्धि से काम करा, अपने हाथ में कृपान उठा ला, उठा लीजिए कृपान। कृपान उठा के जल्दी से चल जा, वो लड़कवन का मुड़िया काट के लिया हुआ वही मुड़िया से हमारो काम चल जाए, धृतराष्ट्र राजा का भी काम चल जाए, साथे साथ एक पंथ दुई काज हो जाए। ई बतिया समझ में आएगी अश्वस्थामा के, देखिये तिरिया के जाल में फंस गई। अश्वस्थामा अपने हाथ में कृपान उठा लेता है, उठा कर लेकर के चल दिया। जब पहुंचता है द्रौपदी के दरवाजे पर तो उस समय हुआ क्या, उस समय देखें हुआ क्या, पांचों बच्चों जो है उस सेत पर फुफकार करके सो रहे थे, द्रौपदी भी साथ में चारपाई के गुड़तारी की तरफ सुतल हलिन। ओ समय मौका पाकर के प्रेमियों सुस्थामा अपना वार कर देते हैं कृपान का। जब वार कैलन पांचों बच्चों की मूड़ी अलग हो गई और धड़ अलग हो गया, पांचों बच्चों की मूड़ी उठा करके अपनी
चादर में बांध करके पीछे पीठी पर लटका के अश्वस्थामा लेके चल दिलन। अश्वस्थामा सोचलन मारे खुशी के मारे कि आज दादा का बात तो पूरा करे चलते ही। लेके उमड़िया पहले गेलन धृतराष्ट्र राजा के दरवाजे पर। जब धृतराष्ट्र राजा के दरवाजे पर गेलन, धृतराष्ट्र राजा जब आवाज पवलन तो समय मार उनकर करेजा एकदम गदगद हो गई। करण की बेटा अश्वस्थामा, बात तो तूने मेरा पूरा कर दिया, लेकिन पहले उस झोली के अंदर से भीम की मूड़ी निकाल करके दो। मुझे भीम की मूड़ी की जरूरत है। पहले जब भीम की मूड़ी का नाम लेलन अश्वस्थामा का, फिर बुद्धि चकराएगी। करण अब कौन उपाय करी। पांचों मुड़ियन में से जब टोक निकाले लगलन जो सबसे बड़ी मुड़ी रहल, यानी भीम के लड़का का मुड़ी रहल, वह मुड़िया उठा के धृतराष्ट्र राजा के गदुरिया पर डाल दहन। जब मुड़िया गदुरिया पर गद से गिरल, वही समय धृतराष्ट्र राजा का करजवा धक से कह दिलस। कहलन कि आय हाय, इतना बड़ा वीर इतनी हल्की मुड़ी। उसे जब इशारा से टो करके देखने लगे, पांचों बच्चों की मुड़ी प्रेमियों, उस बच्चा की मुड़ी नरम थी, पांचों उंगली जो है उस मुड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब प्रवेश कर गई, एक गदोरी पर मुड़ी लेकर के अपने छाती पीट पीट करके रो रो करके कह रहे हैं, कार रो के कहलन चार लाइन विदेशिया के अंदर भावा मास्टर। कि रोई रोई बतिया नामारे पपिया, द्रौपदी के अखिया के अनमोल तारा रहले। अरे गोदिया के पोसाले सुगनावारे पपिया, खुनवा से पांचो पांडे सिचाले जवन बाग। अरे उहे उजड़ गईले उहे गुल सनावारे पपिया। धृतराष्ट्र राजा छाती पीट कर रो रो करके कहने के, नीच बेईमान कुत्ता हराम खोर, तुम्हें लज्जा नहीं आई? मैंने पांचों पांडों का मुड़ी मांगा था, लेकिन तूने पांचों बच्चों की मुड़ी ला दिया, भाग जाओ यहां से। इसे द्रौपदी बूंद बूंद के खून से सींच सींच करके फुलवारी को तैयार कर चुकी थी, लेकिन आज तूने इस फुलवारी को उजाड़ दिया, भाग जाओ। इतना बतिया सुनत एकदम चेहरा काला हो गई। अब फिर पांचों मुड़िया उठा के पहुंचलन अपने दुल्हन के पास। जब दुल्हन के पास गेलन पांचों मुड़िया, जब दुल्हन पौलस खखा खखा के हंसे लगल, आंगन में लोका लोका करके मुड़ी जैसे लड़का गेना खेलन, वैसे लोका लोका के खेले लगल। इतना ही नहीं, जब जमीन पर मुड़ी गिरती थी तो अपने पैर से कुचल रही थी, साथ साथ सुहाग रात वाली गीत गा रही थी। सवेरे के टाइम रोती चिल्लाती बिलकती हुई द्रौपदी जब दरवाजे पर पहुंचती है, चंपा के देख लेती कि पांचों बच्चों की मुड़ी लुका लुका करके खेल रही है, साथ साथ सुहागरात वाली गीत गा रही है। इतना ही नहीं, पैर से भी मेरे बच्चों के मुड़ी के ऊपर कुचल रही है, छाती फट जाती है। द्रौपदी उस समय श्राप देती है। क्या श्राप दे देती है? ये तो लाइन पापड़ के अंदर भावा मास्टर भागे। कि एक दिन तोहार नोखे के अब जानी चंपा रानी हो, कि एक दिल तोहार नोखे के अब जानी चंपा रानी हो, दुनिया भर में होई अमर कहानी चंपा रानी हो। अखिया के तारा हो,
रक्त के धारा हो कि केतनन के मिट जाए नाम निशान चंपाराली हो। रोज रोज गोदिया में होई कुर्बान चंपारानी हो। द्रौपदी श्राप दे देती है, कहती कि जा एक छोटी मोटी बात में हमारे बचपन के जैसे मुड़ी कटवा ले हलू वैसे ही तुहरे गोद में सदा खून का धारा चली। द्रौपदी के श्राप से आज बहुत बढ़िया जगह बनल बा चंपा के नाम पर, वो जगह का नाम काबा चल रहे आल्हा के अंदर प्रमाण बा। अरे चंपा के जवानिया हो का हनिया बन गई भैया, चंपा के जवानिया हो का हनिया बन गई लिए भैया, चंपा के जवानिया हो का हनिया बन गई लिए भैया। गोदिया में बाहे लारा का तवा के धार, गोदिया में बाहे लारा का तवा के धार। चंपा के नाम पर फांसल वो ही चंबल के मझा। आय हाय चंपा के नाम पर वो चंबल घाटी बनल बा। देखे पहले पहले उसमें देश भक्त पलते थे, बड़े बड़े बैंकों को लूट करके गरीबों को दान देते थे। आजकल उसमें खूंखार डकैत पल रहे हैं जेकर कौनो सरकार अभी था ना लगा पुलिस। लेकिन जौन समय लोक नायक प्रकाश बाबू प्रकाश जी जिंदा रहन उस समय 501 डाकू हथियार रख करके आत्मसमर्पण किए थे। अंतिम लाइन लिखे क्या कवि जी, आए अरे गलिया बंदूक सब कैले हवाले, अब बंदी बनाई भरत सरकार। अंतिम लाइन लिखना पड़ा, क्या लिखे कवि जी? दो लाइन पंधारी चचा वाली तर्जमा मास्टर सही रहे। कि लूट मार की देवी बन के काली गरजे, तयाइल चंबल में फतिया दुनाली गरजे। अपराधी दुनिया को शरण देती है चंबल घाटी, सदा रक्त की धार बहेगी, अब कहते वहां की माटी बागी, तो बागी हो यहां हर वक्त या दुनाली गरजे। अब मिटारल धरा का प्यार, विकासनाथ का सुखनाथ